हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डंपर में डायरेक्ट बिना जेसीबी के पत्थर कैसे भरते हैं, जिससे पूरा डंपर भी लोडेड हो जाएगा और जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक डंपर लेना है इस टाइप का, और उसको कहीं भी जाके लगा देना है जहाँ से कि डंपर हिले डुलेगा नहीं। डंपर को हिलाना डुलाना ज़्यादा नहीं है, एक जगह पर खड़ा करना है। जैसे यहाँ पर खड़ा कर दिया इस खड्डे में, यहाँ पे लाके जैसे डंपर को खड़ा कर दिया, यहाँ से डंपर हिलेगा डुलेगा नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल सेट स्ट्रेट सेट खड़ा कर दिया। अब इसके बाद गाइस हमको क्या करना है कि हमें हमारे दूसरे वाली जो भी व्हीकल है, जैसे मैंने ये ट्रक ले रखा है मेरा फेवरेट, इस ट्रक के पास जाना है और इस ट्रक को डंपर के साइड में लगा देना है बिल्कुल सीधे करके। अभी लगाते हैं इस ट्रक को डंपर के साइड में लगा देना है गाइस। और इसके बाद में इस ट्रक में हमें बोरियाँ लोड कर लेनी है। अब ये देखो, ये हम खड्डे में लगा दिए तो ये ट्रक खुद भी आगे जाएगा, इसलिए हमें इसमें बोरियां भर लेनी है। तो इसमें हम बोरियां भरेंगे, अभी एक बार इसको लगा देते हैं, इसमें बोरियां भरेंगे। ये देखो गाइस, इसमें बोरियां भर लेते हैं हम, यहाँ से मॉडिफिकेशंस में जाके ये बोरी आ गई, और इसको बोरी भर के आप ड्राइव पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे। और गाइस हमें हमारा डंपर चलने लगा है, इसमें भी बोरियाँ ऑटोमेटिक लोड हो गई। पहले इसकी बोरियाँ खाली करते हैं हम, यहाँ से ट्रॉली लोड पर जाके इसकी बोरियाँ खाली करते हैं, और इसको अब एकदम सटा के लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर बिल्कुल एकदम सटा के इसके पास में यहाँ पे लगाना पड़ेगा गाइस इसको, बिल्कुल एकदम ऐसे सट आगे, जिससे कि सारे पत्थर आके और इसमें भर जाएं। यहाँ पे हमें इसको लगा लेते हैं, बिल्कुल बैक लेना है, एक बार बैक लेना है और बिल्कुल सटा के लगा देना है यहाँ पे, जैसे हमारा ये डंपर लग चुका है गाइस, बिल्कुल सटा के थोड़ा सा और लगा देते हैं इसको, जिससे कि ये हिले डुले नहीं बाद में, पत्थर पड़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। यहाँ पे बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट है गाइस, क्योंकि ट्रक हमारा बिल्कुल बीचों बीच आ गया। अब गाइस हमें क्या करना है कि हमें कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, और मॉडिफिकेशन पे क्लिक करके, और ये स्वैपन रॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्वैपन रॉक्स पे क्लिक करेंगे गाइस, जैसे ही हम अगर बोरियों पे क्लिक करेंगे तो ट्रक में बोरियाँ भर जाएंगी हमारे में, लेकिन डीजे पे क्लिक करेंगे तो हमारे इसी वाले ट्रक में डीजे लगेगा। वो देखो गाइस, सामने वाले डंपर में कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे करेंगे इसका कवर हट जाएगा ट्रक का सारा, ऐसी दुबई वाली फोटो भी हट गई देखो आप। लेकिन जैसे ही हम इसमें, तो हमें बोरियाँ रखनी है, और जैसे ही हम स्वैपन रॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सामने उस वाले ट्रक में देखो पत्थर आके लोड हो गए सारे में। ये देखो गाइस, मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ, सामने वाले ट्रक में पत्थर आके लोड हो गई, देखना वापस करके दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। लेकिन वो ट्रक थोड़ा सा आगे सरक गया, पहले उस ट्रक को थोड़ा सा पीछे लाते हैं और फिर फुल भरेंगे। ये देखो गाइस, ये ट्रक को हमने लगा दिया है, और वापस इसकी बोरियाँ खाली कर लेते हैं, और फिर हमें उस वाले ट्रक को ड्राइव करना था, सॉरी मैं इस वाले पे आ गया। और अब हमें वापस से पत्थर वाले पे क्लिक करना है, जैसे ही हम पत्थर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखो भाई, उसमें पत्थर आके भर गए, सारा ट्रक हमारा डंपर पत्थरों से भर गया है। अब हम उस डंपर की ड्राइव पे जाते हैं, इस डंपर को हम ड्राइव करते हैं। जैसे गाइस इसमें देखो, ये वापस से खाली हो गया है बोरियों का, लेकिन हमें इसको वापस पहले बोरियों को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा गाइस। ये देखो गाइस, हमने डंपर में फुल पत्थर भर लिए हैं, पूरा आगे तक भर लिया है हमने पत्थर, ये ऊपर तक भी, लेकिन अब ये ऊपर वाले पत्थरों को साइड में कैसे करेंगे, चलो चलते हैं। ये क्या तो गिर जाएगा या अपने आप साइड में हो जाएगा, हमें उस मड वाले उसमें इसको डाल के आना है। और अब डंपर में वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया पत्थरों का, जिससे कि हमारा डंपर भी पावर अच्छी लगा रहा है, डंपर में तो गाइस आती है नेचुरल पावर। ये पत्थर किधर गिरेगा, ये पत्थर ये तो नीचे गिर गया गाइस, चलो कोई नहीं नीचे गिर गया। तो अब हम देखेंगे दोनों में से ट्रक में ज़्यादा पावर है या डंपर में। हम ट्रक में भी गाइस एक बार आज पत्थर ही लोड करके देखते हैं कि ट्रक में पत्थर लोड करने पे ट्रक कितना पावर लगाता है, ट्रक खींच पाता है मड में से या फिर डंपर खींचेगा। चलो ट्रक में ही लगाते हैं, वो ट्रक को लगाते हैं गाइस। ट्रक में तो लोड नहीं हुआ, लेकिन हमारे डंपर में लोड हुआ है। अब देखते हैं हमारे डंपर को लेके चलते हैं कि पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पीछे तो गाइस पत्थर पड़े हुए हैं, और आगे भी टायर के बीच में तो एक पत्थर पड़ा ही हुआ है, लेकिन हम धीरे धीरे निकालेंगे, क्या करें क्योंकि पत्थर ऊपर से गिर भी सकते हैं गाइस। हमारे को बिल्कुल धीरे धीरे इसको निकालना पड़ेगा गाइस। ये देखो गाइस, यही तो डर था जो हो गया, इसी का डर था मुझे भी। अब गाइस